अपने सीने से पति की फोटो लगाई ये हैं सोमवती कारटामी। 3 अप्रैल को बीजापुर जिले के तर्रेम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे, वहीं 31 जवान घायल हुए थे, जिसमें नक्सलियों से लोहा लेते हुए एकेली गांव के रहने वाले DRG के असिस्टेंट कांस्टेबल बोसाराम कारटामी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। शहीद बोसाराम कारटामी के जाने के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, घर पर मातम पसरा हुआ है। शहीद की याद में पत्नी, माँ, बच्चे सभी का रो रो कर बुरा हाल है, आंसू तक इनके सूख चुके हैं। बच्चे माँ और दादी से बार बार पूछते हैं कि पापा कब आएंगे। शहीद बोसाराम परिवार में सबसे बड़े थे, वे अपने पीछे पत्नी, 4 बच्चे, बुजुर्ग माँ और एक छोटे भाई को छोड़ गए। शहीद का एक छोटा भाई भी है जो दंतेवाड़ा में पढ़ाई कर रहा है। परिवार की जिम्मेदारी शहीद पर थी। अब परिवार के लोग इस बात से चिंतित हैं कि आखिर घर कैसे चलेगा। परिवार ने सरकार से बच्चों की शिक्षा और पत्नी को नौकरी देने की मांग की है। तो थोड़ा नौकरी मिलने से हो जाएगा, वो तो अभी खेती किसानी नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, थोड़ा उसको परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, वो कैसे करके जिएंगे, यही हम लोगों का है। इनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे भी बहुत छोटे हैं, जिनको लेकर परिपक्व होने बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 10 से 15 साल लगेगा। अभी वर्तमान को जीने के लिए और क्या साधन चाहिए सरकार की तरफ से ताकि उनका जीवन अपन अच्छे चल सके? सरकार से जो मिलने से तो होगा उसको जी, तो खाने पीने के लिए वैसे तो पढ़े नहीं हो रहा है, ओके, वैसे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, आप उनका पढ़ाई के लिए शासन प्रशासन थोड़ा सा उसका सहयोग करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि शासन, छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी मिसेस, तो उनके मतलब परिवार तो है, अब वो कहाँ से देख पाएगी, इसलिए उसके बच्चे लोग को जो शासन प्रशासन स्कूल में पढ़ने के लिए आप बच्चे को खर्च करने के लिए, आप पढ़ाने के लिए तो उनको पास कुछ है ही नहीं है अभी, अब इसलिए उनको कुछ रोजगार देगा तो बच्चे लोग को कुछ कर पाएंगे। दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद बोसाराम पर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन खोने का असली दर्द और दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। 4 बच्चों को लेकर आगे की पढ़ाई की मांग को लेते हुए वहीं उनके जीवन यापन के लिए कुछ सरकार की तरफ से मांग की है। संतोष तिवारी, ईटीवी भारत, बीजापुर।